पाकिस्तान दुनिया के उन चंद खुशनसीब मुल्कों में शामिल है जहां नमक के वसीय ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में नमक की चार बड़ी कानें मौजूद हैं। इसके अलावा समंदर और झीलों से भी नमक हासिल किया जाता है। इसी वजह से नमक हमारे यहाँ नहायत सस्ते दामों दस्तयाब है, लेकिन यहाँ नमक तैयार करने वाली आम फैक्ट्रीज में सेहत और सफाई को कतई नजरअंदाज करते हुए नमक तैयार करके पैक कर लिया जाता है, बगैर ये सोचे समझे कि इंसानी सेहत पर उसके कितने बुरे असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, हमने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको जाली मिर्चें बनती हुई भी दिखाई, जाली मसाला जात भी बनते हुए दिखाए, जाली दूध भी बनते हुए दिखाया, लेकिन हम हैरान थे कि नमक जैसी चीज भी क्या कोई गलत बना सकता है। लेकिन इस फैक्ट्री में पता चला है कि मुख्तलिफ ब्रांड की नकल भी तैयार की जा रही है और जो हाइजीन कंडीशंस हैं, जो सेहत और सफाई के हालात हैं, वो बहुत ही नाकस हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे डस्ट भी, मिट्टी भी, मकौड़े भी, हर चीज आपको जो आप सोच सकते हैं वो इस नमक में उसी तरह रींगती हुई, उसी तरह पड़ी हुई आपको नजर आएगी। नाज़रीन, जब नमक को वहां से लाके ये आगे लाएंगे और इस मशीन में डालेंगे, ये वो मशीन है जिसमें इसको पीसा जाता है, इस नमक को पीसा जाता है। आप देखें कि इसके ऊपर ये किस तरह की गंदगी और गलाजत इसमें चिपकी हुई है। ये जो आप चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें से मुख्तलिफ जो जंग आलूद चीज़ें गिरती हैं वो इसके अंदर उसी तरह शामिल होती हैं जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। कैमरामैन को कहूंगा कि जरा उसको चैनल को दिखाए जहां से ये नमक निकल के आके अगली मशीन में जाता है, मजीद उसको रिफाइन करने के लिए, मजीद पीसने के लिए, मजीद बारीक करने के लिए जो अगली मशीन में जाएगा वो यहां से गुजर के जाएगा। उस चैनल की जरा सफाई के आप हालात दिखाएं। नमक क्रश करने वाली मशीन की नहायत खस्ता और खराब हालत देखकर यह अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि इससे जो नमक क्रश किया जा रहा है वो कितना साफ और कितना सेहत बख्श होगा। मशीन पर लगे हुए जंग के जर्रात भी नमक में बआसानी शामिल होते जा रहे हैं। उसी तरह ये इसमें आगे चला जाएगा और आगे उसमें पिस जाएगा, यानी ये जंग आलूद लोहा जो है इससे आपको आयरन की इजाफी मिकदार हासिल होगी। आप देखें कि उस मशीन से जब यहां पे आता है, यहां से फिर आगे पिस के ये आता है, इसमें भी जगह जगह पे आपको ये जंग आलूद लोहे के टुकड़े उसी तरह ही आपको यहां पे पड़े हुए नजर आएंगे। हर तरफ गंदगी, टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ, हर चीज में बेतरतीबी। अगर ऐसी जगह को फैक्ट्री कहते हैं तो कचरे के ढेर को क्या कहेंगे। नाज़रीन, ये मेरी बैकग्राउंड में आपको जो बाल्टी नजर आ रही है, ये वो बाल्टी है जिसमें वो लिक्विड डाला गया है आयोडीन वाला, ताकि इस नमक को आयोडाइज्ड किया जा सके। नाज़रीन, आप देखें कि जहां पे वो नमक तैयार किया जा रहा है जो कि हर घर की, हर फूड की एक लाजमी इंग्रेडिएंट है, उसमें क्या चीज़ें शामिल की जा रही हैं, क्या क्या गंदगी अंदर पाई जा रही है, आप देखें। ये देखिए, ये वो चक्की है, ये वो मशीनें हैं जहां से नमक की पिसाई होके नीचे आती है और यहां से आगे बोरियां भर के जाती हैं। इसमें देखिए कि ये क्या चीज़ है, ये किसी बिल्ली का फुजला है, गलाजत है जो इस नमक में साथ शामिल होकर आपके घर में, आपके पेट में पहुंचेगा। नाज़रीन, आपने सारे यहां पे सफाई के हालात देखे, आपने देखा कि किस तरीके से यहां पे नमक तैयार किया जा रहा है।
अब हम आगे देखते हैं कि ये नमक किस नाम से आगे आपको बेचते हैं, कौन कौन से ब्रांड की नकल करते हैं और वहाँ पे क्या हालात हैं। यहाँ पे नाज़रीन ये नमक पैक किया जा रहा है, आप देखें कि इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की थैलियाँ हैं नमक की। ये एक लाहौरी नमक है जो यहाँ पे पैक किया जा रहा है। उसके अलावा और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के और भी यहाँ पे नमक मौजूद हैं। ये एक टेस्टी नमक है जो कि रिफाइंड टेबल सॉल्ट है। आप देखें कि यहाँ रिफाइनिंग का कितना अच्छा सिस्टम था, किस दर्जे की रिफाइनिंग की जा रही थी, किस हद तक सफाई का इंतज़ाम था और कितनी उनकी पैकिंग खुशनुमा है। इसके ऊपर आप अगर इनके नारे देखें तो आपको इनकी गलत बयानी, इनके तजाद, इनका दोगलापन वाज़े आपको नज़र आ जाएगा, जो कि एक मशहूर ज़माना ब्रांड की नकल है। मशहूर ब्रांड्स की नकल में बनाई हुई पैकिंग में खुला नमक पैक किया जा रहा है ताकि अवाम की आंखों में धूल झोंकी जाए। क्या अवाम सिर्फ धोखा खाने के लिए रह गए हैं? कितने आपको चाहिए, यहाँ पे हर चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये लोग जिन गंदे हालात में इतने बड़े ब्रांड की शोहरत का नाजायज फायदा उठाते हुए आपकी और आपके बच्चों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। नमक की फैक्ट्री कच्ची आबादी के बीचों बीच घोड़े के अस्तबल के बिल्कुल साथ वाकया है। यह आम लोगों की गुजरगाह तो नहीं, लेकिन मक्खियों, मच्छरों, गंदगी और कीड़े मकोड़ों की आमाजगा जरूर है। हनीफ साहब, आप मालिक हैं इधर के? हाँ जी। हनीफ साहब, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? पाँच चार साल से कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या क्या चीज बनाते हैं? बस फिर नमक पिसाई करी है मेरा। नमक की पिसाई करते हैं? किस नाम से बनाते हैं? रेडीमेड यानी के थोड़े पार के दुकान निकाल देते हैं। ये तो खुला नमक है, सादा थोड़ा है, खुला नमक। ये खुला नमक ही देते हैं, पैकेट वगैरह नहीं करते? खुला नहीं, पैकेट नहीं करके देते, ये खुला नमक ही देते हैं। देख लें, ये ना हो के बाद में आपको अपने बयान वापस लेना पड़े। नहीं, बयान का तो वापस लेने तारे सामने सारा कुछ तैयार होया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये जो सारा है ये तो खाने के लिए इस्तेमाल होगा ना, यहाँ से जो नमक आएगा। हाँ जी, ये प्लांट है, यानी कि तोड़े लग जाने लगे। हाँ जी, जरा तोड़े हैं जो खाने वाले इस्तेमाल होना। ठीक है, जरा खराब है वो मेरा बक्सा रहना है। आप मुतमईन हैं इसे? हाँ जी, सफाई है, देखो ना झाड़ू बाजे रहा होना, यानी कि माल टुकला दे तो झाड़ू बाज के जरा खराब माल है खराब माल ही चला जा रहा। ये जो आयोडीन मिला नमक है, हाँ जी, ये आयोडीन के कतरे हैं। हाँ जी, ये कितने डालते हैं आप उसमें? बाल्टी जी यानी कतरा कतरा नाल। उसमें ज्यादा मकदार चली जाए तो आपके पास उसका क्या चेक है, कैसे पता चलता है आपको कि इसमें ज्यादा हो गई है, इसमें कम हो गई है? नहीं, वो खोली थी, वो नहीं हुए, ज्यादा मकदार था तो चलाई थी नहीं। तो आपके पास टेक्निकल आदमी है? टेक्निकल मैं ही हूं। आप ही हो? हाँ। आपकी क्या तालीम है? तालीम को नहीं, मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपके पास तालीम कोई नहीं है? जिस आदमी की सिरे से कोई तालीम ही नहीं है, वो वन मैन शो का मुजाहिरा करते हुए सारे काम खुद ही सर अंजाम दिए जा रहा है। इसमें जो पानी डालते हैं, हाँ, वो फिल्टर्ड वाटर है? हाँ जी, नलके तो टूटी था, पानी पाई था और मेरा गंदा फिल्टर लगाया हुआ। हाँ जी, फिल्टर लगाया हुआ। नहीं नहीं, यार सरकारी जो आ रहा मैं वही। हाँ जी, उनको शायद इस बात का इल्म ही नहीं है कि फिल्टर्ड वाटर किसे कहते हैं। ये शायद उनका ख्याल है कि सरकारी नलकों में पानी आता ही फिल्टर किया हुआ है। ठीक, नाल तुहाडे तबेला इत्थे साथ आपके भैंसे हैं, गंदगी है वहाँ से, जो चीजें गंदगी और मक्खियाँ उधर से जो लेके आती हैं, क्या यहाँ पे जालियाँ नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, वो तो काम नहीं चल रहा, सांस बंद हो जाएगा मजदूर का। अच्छा, ये खा के लोगों के सांस बंद हो जाए वो ठीक है, यहाँ पे आपके मजदूर का सांस बंद ना हो? की मतलब? नमक एक ऐसी चीज है जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नमक सिर्फ खुराक में ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी नागुजीर है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलामा इकबाल टाउन लाहौर की फूड सेफ्टी ऑफिसर
फरीहा अनवर। तो ऐसे एरिया नहीं है कि कहीं लगे कि शायद यहाँ पे कोई अंदर फूड का कोई काम हो रहा है। साथ इसके बिल्कुल वो तबेला जहाँ पे भैंसे वगैरह बंधी हुई हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा एरिया इन्होंने मुंतखब किया है। शायद छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह है जो उन्होंने ढूंढी है। एज ग्रुप जिसको ये हिट कर रही है, मेरा ख्याल है 60 का कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं है जो इसको यूज नहीं करता। छोटे बच्चे से लेके जो है बड़ी उम्र तक के अफराद जो है उनके खाने का ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुज्व है और हर घर के अंदर जो है वो साल्ट भी इस्तेमाल हो रहा है। अब वर्कर्स की अगर मेडिकल नहीं है, क्या इनको कोई ऐसी डिजीज है जो इनके नमक के जरिए हम तक पहुंच रही है, ये हम कुछ नहीं कह सकते। डायरेक्ट ये नमक को हाथ के जरिए वो पैकिंग करते हैं फर्श पे रख के सारा कुछ, और उसके बाद वो हमें जो है वो थैलों में अच्छे खुशनुमा पैकेट्स में डाल के तो बेच देते हैं। और जब हम दुकानदार के पास जाते हैं दुकान से खरीदते हैं तो हमें वो पैकेट देख के बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस हालात में ये बने हुए हैं उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। मेरा ख्याल जो हम लोग सोचते हैं अक्सर कि ये इन हालात में बना हुआ उससे भी ज्यादा पैथेटिक कंडीशन। लेकिन मैं ओवरऑल कहूंगा कि जितना आपके देखने और सुनने वाले कम नमक इस्तेमाल करेंगे, सही तो करें, सही वाला नमक इस्तेमाल करें। और पाकिस्तान में तो एक जन्नत है कि हमारे पास तो सी सॉल्ट भी है और रॉक सॉल्ट भी है, और वो कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो खुद भी वो देख लें कि कहाँ से ले रहे हैं, किसी मुस्तने सुपरमार्केट से या मुस्तने जगह से लें, और दूसरा नमक सही वाला भी कम से कम इस्तेमाल करें। ये वाला नमक तो एक तो जैसे आपने, ये तो जहर है, जहर है, ये जहर से कम नहीं, बिल्कुल जहर से कम नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और बहुत मूजी किस्म का जहर है जो स्लो पॉइजनिंग के जरिए आपके अज़ा को ख़त्म करेगा और बाद में आपको जानलेवा साबित हो सकता है। अगर इनकी मशीनरी की आप बात करें तो मशीनरी ऐसे जैसे सालों से कभी साफ नहीं की गई, और इनकी दीवारें आप देख लें जाले लटक रहे हैं, फर्श पे इनके मक्खियाँ कीड़े और तकरीबन और यहाँ तक कि जानवरों की गलाजत भी यहाँ पे जो है वो पाई गई है। और नमक के अंदर ही जब वो कोई चीज़ क्रश हो जाती है तो हम में से कोई बंदा भी जो है वो सिंपल जो है वो इनके आँख से वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। इधर आए हनीफ सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्ली पोटी कर गई है। हाँ जी, बिल्ली पोटी कर गई है। बिल्ली पोटी कर गई है, तो ये वाली भी अगर इधर आ जाए तो आप कहते हैं मक्खी मच्छर आ नहीं सकता, बिल्ली पोटी कर जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है? गल जी, वो सफाई हो जाती है ना, जानवर है मेरा, दीवार फलां के आ गया उन्होंने चौके बाहर छोड़ दिया रूड़ी दे। फैक्ट्री मालिक की बेशर्मी की इंतहा देखिए, जिसने नमक पर पड़ा हुआ बिल्ली का फजला देखकर सिर्फ इतना कह दिया कि इसको उठाकर बाहर फेंक देंगे। अब इसको जहालत कहा जाए, खुदगर्जी या बेहिसी? ये जो अंदर जंग आलूद जो अंदर टुकड़े पड़े हुए हैं लोहे के, ये अंदर साथ जब पिस जाते हैं नहीं, तो नहीं, उसका नहीं, क्या नहीं, नुकसान होता है? कुछ ही नहीं, यानी कि नमक के बाहर काट देते हैं जो भी आ जाता ना। कैसे बाहर निकालते हैं? कुछ छानना तो आपके पास ऐसा है नहीं है जहाँ से निकालते हो, जहाँ से ये चीजें रुकती हो। तैयार होता है नमक की क्वालिटी देखो ना, देखोगे मेरा ये क्यों ना देखें, ये क्यों ना देखें कि जी गंदी जगह पे तैयार हुआ है। गंदी जगह केड़ी है? ये गंदी जगह नहीं है, मेरी प्लेट लगी है गंदी जगह, थानू की नहीं। इधर आके देखो, इधर आके देखो, ये गंदी नहीं खुली रह गई थी उनकी, तो मेरा दंगाल पे आ गया, साफ हो गया था। अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय इस आदमी ने उल्टा हम पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। आपसे किसी ने को दिहाड़ी मांगी को पैसे मांगे आपसे? मैंने कहा आपसे क्या पैसे मांगे? आपने अभी क्या कहा कि आप अपनी दिहाड़ियां सीधी कर रहे हैं, कौन आपसे बंदा पैसे मांग रहा है? उनका झूठ और गलत बयानी एक बार फिर मुलाहिजा फरमाइए। इन लोगों का यही तर्ज अमल है, ये अपने किए पर पर्दा डालने के लिए दूसरों की इज्जत पर छींटे उड़ाना शुरू कर देते हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ सच को सामने लाना है ताकि आवाम को बाखबर रखा जा सके। नमक की पैकिंग है, आप कहते हैं कि आप तो कोई ऐसा ब्रांड आप तैयार ही नहीं करते हैं, मैंने आप तो खुला नमक देते हैं, आप तो कोई किसी खास नाम से आप नमक जो है तैयार नहीं करते हो, यही कहा ना अभी आपने? रेडीमेड पैकिंग है तो बाजारों में मिलती है, तो ले आके मेरा इस्तेमाल कर लीजिए। वही लोगो, वही उनकी चीजें, वही नारे, सारा कुछ उसी तरह। ये रेडीमेड पैकिंग मिलती है बाजार से, सारी दुनिया ले आगे भेज रही है, हम भी भेज रहे हैं। कहना इनका ये था कि हम खुला नमक थैलों में पैक करके बेचते हैं, और जब इसको इसी की फैक्ट्री में मौजूद मशहूर ब्रांड की जाली पैकिंग दिखाई गई तो उसके पास कोई खाते पा जवाब नहीं, नहीं कर दे लग जाने जाके वो काम करें जो जायज हो, आप अपने नाम से बेचें,
जिस तरह करें उसको यहाँ पे साफ सुथरा रखें, उसमें से उसमें गंदगी ना शामिल होने दें, इस तरीके से आप करें। मजदूरी का ये मतलब तो नहीं है कि आप उसमें गंदगी भी आप चलने दें, आप मशहूर ब्रांड्स की नकल भी करें। भाईजान जो नमक खाने वाला वो देखो कि साफ है कि नहीं, ये नमक पहाड़ा तो आता है, इसी तरह ही आता है, ये ट्रक उतों आते हैं, असं नहीं इतने में रहा कोई असं आप सफाई का ख्याल रखना तो आपका काम है ना, यहाँ पे फर्श पे रख के तो पैकिंग नहीं होनी चाहिए ना। दुनिया में अगर हम कंपेयर करें तो हम उन ममालिक में आते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी, टेबल सॉल्ट भी, और नमक बिजाते ख़ुद एक जहर है जिसका जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतनी ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। उसमें दिल की बीमारियाँ होती हैं, हार्ट फेलियर की या ब्लड प्रेशर की, और बेनथा हम इसका आजकल वर्ड यूज़ करते हैं डैश DASH डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, तो उसमें सबसे बड़ी यही है कि नमक की कम से कम मात्रा रखनी, ऊपर से ऐसा नमक जिसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है, को क्वालिटी चेक ही नहीं है, और आयोडीन बेदरेज इस्तेमाल किया जा रहा है। आयोडीन तो बहुत सस्ती चीज़ है, आप जितनी मर्जी डाल दें लेकिन उसके मुज़र असरात बहुत हैं गुर्दे की बीमारी पे, गुर्दे खराब के ख़राब होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, वैसे ही नमक से बहुत होते हैं गुर्दे खराब, इससे और ज़्यादा होने का खतरा होगा, आपकी जिल्द की बीमारी, आपको एलर्जीज बेइंतहा होंगी, आपको अंतड़ियों की और पेट की बीमारियां बेइंतहा होंगी इसकी वजह से। ये जो पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ये आयोडीन को जो करने, इसके लिए प्रॉपर उनको फंडिंग दी गई, प्रॉपर लोग हायर किए गए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, फिर उन लोगों ने इन लोगों को आके प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी। कुछ ऐसे अनासिर हैं जो दिखावे के लिए ऐसे लगा देते हैं लेकिन अंदर ऐड नहीं करते वो, तो अभी भी आप इसकी हालत देखें, जिस सॉल्यूशन के अंदर वो आयोडीन डाला जा रहा है उसकी सॉल्यूशन की हालत देखें, उसका माइक्रोबियल बायोलॉजी का लोड देखें आप, तो आपको पता लग जाएगा कि जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए उसकी क्या क्वालिटी है, वो भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ब्रांड जो ज़्यादा बिकता है उसकी कॉपी की जाती है पाकिस्तान में, कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का है, जो डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है उसको पता है वो कहाँ से ले रहा है। अब क्योंकि नमक बेदरेज इस्तेमाल किया जाता है, खाने में भी, टेबल पे भी, जूस में भी, हर चीज़ में पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक करते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई मुजरे सेहत चीज़ है। ये जो थायराइड है उसका भी आयोडीन से कोई ताल्लुक है? थायराइड के लिए तो आयोडीन किसी हद तक बेहतर है, लेकिन एक हद तक, उससे ज़्यादा देंगे तो वो तमाम ऑर्गन्स में जमेगी और तमाम ऑर्गन्स का सत्यानाश करेगी, सबसे ज़्यादा गुर्दों का और फिर जिगर का और फिर थायराइड का और फिर हार्ट का, हार्ट की पंपिंग भी, और नो डाउट के पाकिस्तान में बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं इन्हीं वजूहत से हो रही हैं। ना ही मालिक की कोई तालीमी काबिलियत है, ना ही इन लोगों के पास ऐसा कोई टेक्निकल पर्सन है जो इसको एंश्योर कर सके कि आयोडीन की मुकर्रा मकदार ही अंदर शामिल हो, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव शोबा है, अगर आयोडीन की मकदार कम हो जाए तो नुकसान, लेकिन अगर बढ़ जाए तो इतना ज़्यादा नुकसान है कि इसकी वजह से नाक से खून भी बहना शुरू हो सकता है, ब्लड प्रेशर का मर्ज जो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है उसकी एक बड़ी वजह इसी तरह की गैर मियारी फैक्ट्रियों से हासिल किया गया नमक होता है, उसके अलावा ब्रेन हेमरेज की भी एक बड़ी वजह इस तरह का गैर मियारी नमक करार दिया जा सकता है। तो बड़े बुरे हालात हैं इसके, और इसको मैं अभी इसी वक्त जो है वो सील करूंगी और शायद इसके दोबारा फर्दर सैंपल भी लूंगी, क्योंकि ये कुछ अच्छी ब्रांड्स हैं जिनका मैं नाम लूंगी कि वो उनको भी मिसयूज़ कर रहे हैं, यानी कि उनका लेबल लगा के ये अपनी मार्केटिंग जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन डेफिनेटली उस ब्रांड के लिए भी ये गलत है, और सेकेंड ये कि जो आपके कस्टमर हैं उनके लिए बहुत बड़ा धोखा है ये। नाज़रीन, आपने यहाँ इस फैक्ट्री के हालात देखे, इसके गिर्दो नवा के सफाई के हालात देखे, अंदर गैर मियारी नमक तैयार होता हुआ देखा, मुख्तलिफ ब्रांड्स की नकल भी तैयार होते हुए देखी। हम आपसे ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अगर आपके इलाके में भी ऐसी ही कोई प्रेमिसेस मौजूद है जहां पर हिफ्जाने सेहत के असूलों की धज्जियां बिखेरी जा रही हों,
तो बराए मेहरबानी हमें ज़रूर इतला कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस और फेसबुक एड्रेस आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमें इतला दीजिए। इतला देने वाले का नाम सीगाए राज में रखा जाएगा।